प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया आप लोगों के मध्य में एक सुसमाचार लेके आने के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को मेरे सुसमाचार पसंद आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप आदर सम्मान दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, चैनल को आप प्यार दे रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। आज का वचन देखेंगे हम दूसरा राजा और उसका पांचवा अध्याय। ये एक ऐसी घटना है जिसको वास्तविक रूप से इसराइल के अंदर हुई। इसराइल एक आशीषित देश, परमेश्वर की मर्जी से इसराइल के ऊपर आराम के राजा ने चढ़ाई करी और आरामी जो लोग थे, इसकी पहली आयत में पढ़ता हूं, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। आराम के राजा ने अरामियों के द्वारा विजय प्राप्त करी इसराइल के ऊपर, और इसराइल के अंदर की एक बेटी को ये लोग अपनी बंधुभाई में ले आए, हो सकता है कहीं और को लेकर आए होंगे, पर यहां पर जो नामान था वो नामान के घर के अंदर इसराइल की एक छोटी सी बेटी एक दासी बनकर काम कर रही थी। यहां से एक नया मोड़ चालू होता है इस कहानी का। नामान, जिसके विषय में लिखा है, बहुत ही ज्यादा शूरवीर, बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित और एक अपने स्वामी का वफादार व्यक्ति, पर उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो एक कोढ़ी है। यह समय आज का आधुनिक समय नहीं था, यह समय वो था जहां पर कोढ़ को एक अछूत माना जाता था और कोढ़ियों को समाज के बाहर कर दिया जाता था। उनका खाना अलग, उनका पहनना अलग, उनका पूरे नगर से कोई ताल्लुक नहीं होता। पर यह राजा का वफादार था, प्रतिष्ठित था, इसी कारण से दरबार में था, एक सेनापति था। पर राजा को भी चाह थी कि यह सेनापति का जो कोढ़ है वो पूर्ण रूप से हट जाए। एक दिन ऐसे ही बातों में, मैं इस घटना को आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसी ऐसी बातों के अंदर जो बच्ची उसके यहां काम करती थी, उस बच्ची ने प्यार से बोला अपनी स्वामिनी से कि काश मेरा जो स्वामी है, ये जो नामान है, ये शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो इसका कोढ़ सिद्ध हो जाता। अब ये घटना देखिए आप, पूर्ण रूप से वो कोढ़ से शुद्ध होना चाहता है, जगह जगह उसने इलाज करा रखा है, जगह जगह जा चुका है, हर एक जगह उसने प्रयास कर लिया, उसका कोढ़ ठीक नहीं हुआ। यहां पर उसको एक आशा दी और जैसे ही उसको पता लगता है कि हां, इसराइल के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर अगर मैं जाऊं तो मेरा कोट ठीक हो सकता है, वो अपने राजा के पास गया और राजा ने उसको उपहारों के साथ इसराइल के राजा के पास भेजा और उस राजा को एक पत्र लिख दिया और पत्र में लिखा कि ये मेरा दास है जिसका कोढ़ तुझे शुद्ध करना है। और वो जो बहुमूल्य गिफ्ट दिए थे, बहुमूल्य उपहार दिए थे, उसके विषय में मैं बताता हूं आपको, 5:5 उसके अंदर क्या लिखा है कि आराम के राजा ने कहा, तू जा हे इसराइल के राजा, मैं इसराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा, तब वह 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोने और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। अब ये सुनने में बहुत ही छोटा गिफ्ट लग रहा है क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाए। 10 किक्कार चांदी, 1 किक्कार के अंदर होता है 34 किलो, 10 किक्कार के अंदर होता है 340 किलो। आज 1 किलो चांदी की कीमत, आज की बता रहा हूं, 75,000 रुपए। जब 75,000 को हम 340 से गुणा करते हैं तो बन जाता है 2,55,00,000। यह तो सिर्फ चांदी का मूल्य था। उसके बाद उसने बोला कितने, 6,000 टुकड़े सोना,
6000 टुकड़े सोना जिसका तोल अगर निकाला जाए आज की तारीख में तो वो होता है 70 किलो। 1 किलो सोना प्योर गोल्ड 61 लाख रुपए का है, जिसको अगर मैं जोड़ लूं आज तो करीबन 43 करोड़ 26 लाख 43 करोड़ 26 लाख तो सोने का मूल्य है और 2 करोड़ 55 लाख चांदी का मूल्य है। इतना पैसा और 10 जोड़ी कपड़े रॉयल सूट होंगे, मैं समझता हूं एक सूट अगर 50,000 का भी है तो 5 लाख का ये इतना ढेर सारा करोड़ों में गिफ्ट लेके पहुंचा कहां पर, राजा के पास। और राजा के पास पहुंच के बोलता है कि ये पत्र भी ले और मेरे कोढ़ को दूर कर। जैसे ही उस राजा ने उस पत्र को पढ़ा, यहां पर छठी आयत क्या बोलती है कि उसने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं है? मैं उस पुरुष के पास किसी को इस, यहां पर लिखता है कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसीलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़ने का कारण ढूंढता है। डर गया राजा, बलाराम ने तो अभी विजय प्राप्त करी थी, बंधुए भी उसके पास हैं और अब यह समय दोबारा लड़ना चाहता है, इसीलिए इस नामान को भेजा। पर यह सारी घटना एलिशा नाम के भविष्यवक्ता को पता लगी और एलिशा ने बुलवा भेजा राजा के पास कि उस कोढ़ के ग्रसित व्यक्ति को जो नामान है मेरे पास भेज दे। नामान चला गया सारे रथ के साथ, उस सारे गिफ्ट के साथ। नामान उसके द्वार पे खड़ा है और वो एक टीले पे रहता था, ऊंचाई पे रहता था। उसने उससे मिला नहीं, देखा नहीं और उसने क्या बोल दिया, अपने दास को बोला जा नामान से कहता यर्दन में जाके 7 डुबकियां लगा ले। सोचिए आप, विश्वास देखिए एलिशा का, कि उसके परमेश्वर के ऊपर विश्वास देखिए आप कि जब परमेश्वर ने इसको मेरे द्वार पे भेजा है तो परमेश्वर इसका उपाय करेगा। उस लड़की का विश्वास देखिए कि इसराइल के अंदर सच में आशीष है और वो आशीष को उसने अनुभव किया था, इसीलिए वो क्या बोलती है शोमरोन में, जो कि कहां पर है, गलील के पास में है, बोला अगर वहां पर मेरा स्वामी होता तो क्या हो जाता, वो चंगा हो जाता। वो चला गया उसके पास। अब एलिशा के सामने है पर एलिशा मिला नहीं है, और मिलने के बिना ही उसने अपने सेवक से कह दिया, बोला जा कह दे नामन को, बोला तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा, 7 बार यर्दन में डुबकी लगा ले। और यहां पर लिखता है 12वीं आयत में, क्या दमिश की अबाना और परपर नदियां इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या उसमें स्नान करने से शुद्ध नहीं हो सकता क्या? क्रोध से भर गया नामान, क्रोध से भर गया, क्योंकि उसने सोचा क्या था, बोला मैं इतना करोड़ों का गिफ्ट लेके आ रहा हूं, एलिशा मेरे को क्या करेगा, बिठाएगा, आदर सत्कार करेगा, मेरे सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा, मेरे कोढ़ की जगह को छुएगा। ये चाह रहा था नामान, वो अपनी प्रतिष्ठा चाह रहा था, वो चाह रहा था कि मेरा आदर सत्कार हो, मैं बहुत ढेर सारा सामान लेकर आया हूं, मैं बहुत ढेर सारा पैसा लेकर आया हूं, पैसे के द्वारा वो अपना सम्मान चाह रहा था। पर एलिशा ने क्या करा, एलिशा को अपने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा था, उसने उसी विश्वास से कहा कि जा यर्दन में जा और तेरे सारे का सारा जो कोढ़ है वो शुद्ध हो जाएगा। और ऐसा हुआ, जब वो गया और क्रोध से भरकर जब जा रहा था तो रथ के अंदर उसके सेवक ने बोला कि हे स्वामी, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। बोला यदि एलिशा, यदि भविष्यवक्ता तेरे को और कुछ कठिन करने को बोलता तो तू नहीं करता क्या, तब भी करता तो। बोला उसने आसान सी बात बोली है, बोला डुबकी तो मारनी है, मार ले। एक डुबकी मारी कुछ नहीं बदला, 2 डुबकी मारी कुछ नहीं बदला, 6 डुबकी मार ली कोई बदलाव नहीं है। सोचिए नामान के मन में क्या होगा, बोला 6 डुबकी मार चुका हूं, मेरा कोढ़ थोड़ा भी कम नहीं हुआ। बोला जब 7वीं डुबकी मारी तो वचन क्या कहता है, यहां पर वचन कहता है कि उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया, पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने विश्वास करा उस एलिशा की बात को और उसके बाद उसने वही कार्य करा जो परमेश्वर ने कहा। आज भी हम यदि वही कार्य करेंगे जो परमेश्वर चाहता है तो हम हमारे जीवन में तरक्की जरूर पाएंगे, हमारे जीवन में हमारे वो जो काम है जो रुके हुए हैं, जो आशीषें रुकी हुई हैं,
परमेश्वर जरूर देगा। परमेश्वर चाहता है हम उसकी आज्ञा को माने वैसा ही जैसा उसने लिखा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया। एलिशा ने भी वही करा, जैसा उसको परमेश्वर ने बोला वैसा का वैसा उसने नामान को बोल दिया। नामान के धन दौलत को देखा भी नहीं उसने, करोड़ों रुपए, सोचिए आप, 43 करोड़ का सोना और 2.5 करोड़ की चांदी कम नहीं होता, अच्छे अच्छे का मन डोल जाए। पर परमेश्वर के दास एलिशा का मन देखिए आप, एक एक सिक्का नहीं लिया उसने, एक टुकड़ा नहीं लिया, एक जोड़ी कपड़ा नहीं लिया उसने। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मेरे परमेश्वर के अंदर बहुत सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर मेरे को सब देता है, मेरी सारी आवश्यकताएं पूरा करता है, तो ये मैं इस नामान से लेके क्यों मेरे प्रभु का अपमान करूं, मैं क्यों इसका एहसान लूं। क्योंकि नामान उसको देता तो जीवन भर के कहता कि मैंने पैसा देके अपने आप को चंगा कराया। और ये बात जब उस पूर्ण रूप से चंगा हो गया तो दोबारा खुशी खुशी लौटा और एलिशा से मिला। इस समय एलिशा उससे मिला और एलिशा से आग्रह करा उसने, बोला ले ले, थोड़ा सा ले ले, कुछ तो ले ले, पर एलिशा ने नहीं लिया। बोलता है यहां पर 16वीं आयत में, उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। उसको मालूम था मुझे इन पैसों से कोई मतलब नहीं है, जो मेरे वचन के अंदर मेरे पिता परमेश्वर ने सामर्थ्य दिए कि मैं जो बोलता हूं वो हो जाता है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। सोचिए उसके पास 43 करोड़ थे पर अपने कोढ़ को शुद्ध नहीं कर पाया, पैसे की कोई कमी नहीं थी पर अपने कोढ़ को शुद्ध नहीं कर पाया। कोढ़ कब शुद्ध हुआ? जब परमेश्वर के सामने घुटने टेके, जब परमेश्वर की उस आज्ञा को माना, जब परमेश्वर के भक्त के ऊपर विश्वास किया उसने, तब वो कोढ़ खत्म हुआ है। हमारे जीवन में कई कई ऐसी परेशानियां हैं जो हम विश्वास नहीं करते, हमारे पैसों के ऊपर हम विश्वास करते हैं, हम सोचते हैं हमारे पास पैसा है हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक धनवान था जिसने अपनी कोठरियां भर ली और क्या करा, जगह जगह खोद खलियानों को हटा के उसने गोदाम बना लिए, और गोदाम बना के सारा का सारा क्या करा उसने, अनाज भर लिया। और क्या बोलता है कि अब मैं कुछ काम नहीं करूं तो भी कई साल बैठ के खाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, हे मूर्ख, आज तेरी मृत्यु हो जाए तो यह सब किसका है। हम पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे को प्राथमिकता देते हैं, पैसा है तो हम सोचते हैं सब कुछ कर सकते हैं, पर पैसा मेरे मित्रों कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे याद है मेरे पिता को जब कैंसर हुआ और हॉस्पिटल में थे, पैसा होने के बावजूद हम उनका इलाज कराते कराते उनकी जान नहीं बचा पाए। हम और इलाज करा सकते थे, परमेश्वर की दया से इतना पैसा दिया उसने हमें, पर उसके बावजूद भी हम उसका एक दिन, मेरे पिता के एक दिन आयु नहीं बढ़ा पाए। सारे प्रयास कर लिए, महंगे से महंगे इंजेक्शन लगा दिया, सब कुछ कर लिया, पर एक दिन आयु का नहीं बढ़ा पाए। क्या करेंगे उस पैसे का? उसके बावजूद भी इंसान क्या चाहता है, और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए। एलिशा को वो मालूम था इस पैसे का कोई मूल्य नहीं है, कुछ काम का नहीं है ये। जब तक परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है तब तक मुझे किसी बात की जरूरत नहीं है। और एलिशा ने कुछ भी नहीं लिया। वो जाते जाते उसने क्या बोला, नामान ने बोला तू मुझे अनुमति दे तो मैं तेरे यहां की क्या ले लूं, मिट्टी ले जाऊं, 2 खच्चर भरकर। रीजन क्या था? बोला इसी मिट्टी से मैं वेदी बनाऊंगा तेरे परमेश्वर की। और वो जो नामान था, वो जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, आज से प्रण लेता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही मानूंगा। क्योंकि यहां पर लिखा है इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, नामान ने खुद ने माना। यही कारण था नामान को विजय दिलाने का, यही कारण था उस छोटी सी बच्ची का उस घर के अंदर एक बंधुआ बनकर रहने का, एक गुलाम बनकर रहने का। हम कई बार सोचते हैं कि ऐसी विपत्ति क्यों आई, ऐसी परेशानी क्यों आई, पर परमेश्वर उस परेशानी में, उस दुख में, उस मुसीबत में कहीं ना कहीं अपनी महिमा, अपनी सामर्थ दिखाता है। उस छोटी सी बच्ची ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि हे स्वामिनी,
तेरा पति मेरा स्वामी ठीक हो जाएगा इसराइल में, और वो हो गया। आप सोचिए उस बच्ची की प्रतिष्ठा क्या कम हुई होगी जब वो वापस गया होगा, उस बच्ची को फिर नौकर नहीं रखा होगा, उस बच्ची को सारे सुख आराम दिए होंगे क्योंकि उसने उसको उपाय दिया और उस उपाय से वो ठीक हो गया। परमेश्वर ने उस बच्ची का भी सम्मान किया, इधर अपने आप को भी सामर्थी बताया कि मैं सामर्थी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, सिर्फ विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास किया और मान लिया, और मानने के बाद उसने दो मिट्टी जो कच्चर जो दो खच्चर भर के जो मिट्टी ली उससे उसने होम बलि बनाई और उसने वेदी बनाई और उस पर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था। बोलता था आज से मैं सिर्फ और सिर्फ इसराइल के परमेश्वर को मानूंगा क्योंकि उसने मुझे ठीक करा है, उसने मुझे चंगा किया है और उसने मुझे इस लायक कराया कि मैं सबके सामने बैठ सकूं आदर के साथ। हमारा परमेश्वर आज भी हमें आदर देना चाहता है, सम्मान देना चाहता है, हम उसके पीछे चलें। प्रभु चाहता है कि हमें सम्मान दे, प्रभु चाहता है हमारा पद ऊंचा करे, सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करें। और जब ऐसा हुआ और वो चला गया तब किसको, उसका एक दास था एलीशा का जिसका नाम था गेहजी। गेहजी को ऐसा लगा कि इतना ढेर सारा धन, करोड़ों रुपए मेरे दास मेरे स्वामी एलीशा ने यूं ही त्याग दिया, पर मैं जाने नहीं दूंगा। यहां पर लालच का क्या अंत होता है वो मैं बताता हूं आपको। गेहजी भागा पीछे से, और भागने के बाद जब उसको पता लगा नामान को रथ के ऊपर जा रहा था, उसको लगा कि कोई पीछे भाग के आ रहा है, तो उसने रथ रुकवाया, और रथ रुकवाने के बाद उसने पूछा क्या कारण है कि तू क्यों भागता हुआ आ रहा है। तो यहां पर लिखा है 22वीं आयत में 5 के, उसने कहा हां सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रेम की पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से दो जवान यहां अभी आए हैं, इसीलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और दो जोड़े वस्त्र दे दे। एक किक्कार चांदी मींस 34 किलो, 34 किलो का रेट निकाले तो लगभग 25 लाख रुपए, बोला 25 लाख रुपए और दो जोड़ी कपड़े दे दे। एलिशा ने मांगा था नहीं मांगा, झूठ बोल दिया उसके दास ने, और बोल दिया कि कोई आए हमारे पास एप्रेम से और वो भी भविष्यवक्ता के चेले हैं, उनको देना है भेंट, उनको खाली हाथ कैसे भेजें हम। बोला तेरे पास मांगने के लिए भेज दिया एलिशा ने, बोला इसलिए तू मुझे दे दे। नामान ने खुशी खुशी एक की जगह दो की कर दे दिए, 50 लाख दे दिए, दो जोड़ी कपड़े दे दिए, बोला जा ले जा। और खुद ने भी नहीं लेके गया गेहजी, उसके दो सेवक भेजे, बोले जा छोड़ के इसको मात्र, वो छोड़ के आया, वो अपने घर में सामान रख के एलिशा के जस्ट पास ही रखा, पास ही पहुंचा था। एलिशा ने उससे पूछा कहां गया था, बोलता नहीं मैं कहीं नहीं गया, झूठ बोला दोबारा, पहले ये झूठ बोला कि एलिशा ने मंगाया, दूसरा ये झूठ बोला कि मैं कहीं नहीं गया था। एलिशा ने साफ कहा परमेश्वर का एलिशा के ऊपर कृपा देखिए, परमेश्वर की दया देखी एलिशा के ऊपर, वो यहां पर बोलता है तब वह भीतर जाके अपने स्वामी के पास खड़ा हुआ और एलिशा ने उससे पूछा हे गेहजी तू कहां से आता है। उसने कहा कि तेरा दास तो कहीं नहीं गया, झूठ बोला। आगे बोलता वो एलिशा, उसने उससे कहा अब वह पुरुष, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था, क्या यह समय चांदी का वस्त्र या जैतून या दाख की बारी या भेड़ बकरी गाय बैल या दास दासी लेने का है। अरे ये समय क्या है, नामान उस कोड़ से शुद्ध हो गया, यह समय परमेश्वर को धन्यवाद देने का है या फिर धन बटोरने का है। उसने एक सवाल पूछा उससे, और गेहजी आंख बंद करके मैं समझता हूं नीचे मुंडी कर ली होगी। एलिशा ने बोला कि जो कोड़ नामान का था वो कोड़ अब तेरे पे उतर जाए, क्योंकि तूने पैसे पे लालच किया है, तूने जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया,
जो तेरे को धन देता है, जो तेरे को ताकत देता है, जो तेरे को हिम्मत देता है, जो तेरे को सामर्थ्य बनाता है, उस परमेश्वर के ऊपर तूने विश्वास नहीं किया, तूने धन का लालच किया। और ये लालच का कारण यह है कि जो कोढ़ नामान का था वो तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को हो जाए। उसी समय लिखा है यहां पर, उसी समय वह हीम के समान श्वेत होकर कोढ़ी हो गया और उसके सामने से चला गया। बोला सदा तेरे वंश में लगा रहेगा, सदा। कोई आपसे बोले 50 लाख रुपए ले लो और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ कूड़ बना रहेगा, कोई लेगा? मैं समझता हूं समझदार है तो नहीं लेगा, पर यहां पर गेजी ने लिया, जीवन भर का कूड़ उसने ले लिया। ना केवल उसने बल्कि उसके बच्चों ने और उसके बच्चे के बच्चों ने, उसके बच्चे के बच्चों ने। लिखा है सदा के लिए तेरे जीवन में, तेरे वंश में कूड़ बना रहेगा, क्योंकि तूने ये वंश खराब कर दिया। परमेश्वर आशीष देता है तो भी वंशावली के अनुसार देता है, श्राप देता है तो भी वंशावली के अनुसार। सोच समझ के अपने जीवन को चलाएं, प्राथमिकता परमेश्वर को दें। इसराइल आशीषित इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर को वो प्राथमिकता देता है। हम पैसे को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर हमसे नाराज होता है। हम किसी भी चीज को प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर हमसे नाराज होता है। परमेश्वर आज हमें यही सिखाता है कि जिस तरह से एलिशा ने पैसे को प्राथमिकता ना देते हुए परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दी और नामान का कूड़ यूं ही ठीक कर दिया, वैसे हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना है। हमें पैसे की प्राथमिकता को त्याग कर परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है, ताकि हम परमेश्वर की नजर में महान बने। परमेश्वर हमें महान बनाना चाहता है, परमेश्वर हमारे से उसकी महिमा कराना चाहता है, परमेश्वर हमें सम्मान देना चाहता है। पर वो कब देगा? जब हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। परमेश्वर छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करे। और आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु, विशेष करके मेरे प्रभु जो भी ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हरेक के जीवन को बदलना ईश्वर, आशीषित करना ईश्वर। ये सीखे मेरे प्रभु कि प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ आपकी है ईश्वर। आपको प्रथम स्थान दे अपने जीवन के अंदर, सारी दुख मुसीबत अपने आप हट जाएगी, सारी तनाव अपने आप चला जाएगा, सारी बीमारी अपने आप चली जाएगी। प्राथमिकता जब हम आपको देंगे, विश्वास जब हमारा आपके ऊपर होगा ईश्वर। मेरे प्रभु शैतान यही चाहता है कि हम धन के पीछे भाग कर, सांसारिक बातों में पीछे रहकर हम पूर्ण रूप से अपने आप को बहका दें, खराब कर दें ईश्वर। पर मेरे प्रभु आज हमें आप दोबारा सिखाते हैं ईश्वर कि प्राथमिकता हम आपको दें ईश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड।